आपका स्वर्ण विहार मनीष कश्यप कहे जाने वाला कुछ ही घंटों में जेल के सलाखों से बाहर होगा और आप सभी लोगों का अभिवादन कर रहा होगा और फिर से अपने शेर का दहार सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि 9 से 10 महीने से आप शेर का दहार नहीं सुन रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो उन सभी समयों का अब अटकलें खत्म। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि स्वर्ण विहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप कुछ ही घंटों में जेल के सलाखों से बाहर हम सभी बिहार वासियों के समक्ष खड़े होंगे और एक बार फिर से उम्मीद है कि मनीष कश्यप की उदाहर सुन पाएंगे। जब मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाया जा रहा था, जिस समय मनीष कश्यप को मात्र 1 से 1.5 मिनट का समय मिला था और तभी वह आवाज पूरे 1 सप्ताह तक पूरे बिहार और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में गूंजता रह गया। अंत जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे, जो मेरा प्रयास था, आप सभी का प्रयास था, आप सभी बिहार वासियों का प्रयास था, वह प्रयास अब रंग ला दिया। मनीष कश्यप कुछ ही घंटों में जेल के सलाखों से बाहर होंगे अब और अंततः आप सभी लोगों का अभिवादन कर रहे होंगे। लेकिन कुछ सवाल लोगों के मन में अब बहुत ज्यादा घूम रहा है। लोग हमेशा से आई सपोर्ट मनीष कश्यप फेसबुक पर लिखना शुरू कर दिए थे जब मनीष कश्यप को सजा हुई थी। कई दफाओं में उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी और 9 से 10 महीने जेल में रखा गया। उस बीच में सभी लोग आई सपोर्ट मनीष कश्यप खूब लिखे थे, धरातल पर हो तब या सोशल मीडिया हो तब, अंत मनीष कश्यप के साथ लोगों ने नहीं छोड़ा और अंत तक खड़े रहा। अब मनीष कश्यप के लिए लोगों के मन में एक सवाल गुज रहा है कि मनीष कश्यप जब जेल की सलाखों से बाहर आएंगे तो क्या वह फिर से माइक उठाकर पत्रकारिता करेंगे या चुनाव लड़के, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे या बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। इस अटकलों पर अगर मेरा कुछ कहना होगा तो सिर्फ यही कहना होगा कि मनीष कश्यप को अगर कोई जानता है तो सिर्फ इस वजह से कि मनीष कश्यप एक पत्रकार है जिसे स्वर्ण विहार कहा जाता है और वो मनीष कश्यप रिलाई करने में नंबर 1 पाया जाता है। कहीं भी भ्रष्ट दिखाई देता है, कहीं भी लचर व्यवस्था दिखाई देती है, वहां बेधड़क घुस जाते हैं और भ्रष्ट सिस्टमों का पोल खोल देते हैं। दूसरा सवाल यह कि लोग अब नहीं, जब से लिख रहे थे कि मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको अपना पार्टी बनाना होगा या किसी पार्टी में ज्वाइन कर मुख्यमंत्री बतौर उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा, तमाम तरह की चीजें यानी कि राजनीति में उनको हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। सीधे सीधे भाषा कहूं तो पत्रकारिता छोड़कर उन्हें राजनीति में आना पड़ेगा, तब वह अब राजनेता बन पाएंगे या विधायक हो, सांसद हो या आप सब जैसे कह रहे हैं मुख्यमंत्री हो, इन चीजों का हिस्सेदार बन पाएंगे। तीसरा यह कि मनीष कश्यप पत्रकारिता करेंगे या नहीं करेंगे, या राजनीति में घुस जाएंगे या राजनीति में छोड़ देंगे, क्योंकि मनीष कश्यप को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, तो मनीष कश्यप इन सब चीजों से बाहर निकल जाएंगे। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, मनीष कश्यप जब अपने आप को सरेंडर किए थे तब मनीष कश्यप को बेतिया से पटना ले जाया गया, तब उस समय मनीष कश्यप के आंखों में आंसू देखकर बहुत सारे विरोधियों को यह खुशी हो रहा था कि मनीष कश्यप अब रो रहा है, उनको गलतियों का एहसास हो गया है। तब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब वही क्रम में मनीष कश्यप को बिहार से तमिलनाडु ले जाया जा रहा था तब आपको 1.5 मिनट वाला आवाज जरूर सुनाई दिया होगा, तब आप कैसे कह सकते हैं कि मनीष कश्यप का तेवर डाउन हो जाएगा, मनीष कश्यप पत्रकारिता छोड़ देगा, मनीष कश्यप 9 से 10 महीने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है इसीलिए अब इन सब चीजों से अलग होकर एक अपना अलग दुनिया बसा लेगा। इन सब चीजों को दिमाग से आप निकाल दीजिए, क्योंकि आपका स्वर्ण विहार मनीष कश्यप कहे जाने वाला कुछ ही घंटों में जेल के सलाखों से बाहर होगा और आप सभी लोगों का अभिवादन कर रहा होगा और फिर से अपने शेर का दहार सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि 9 से 10 महीने से आप शेर का दहार नहीं सुन रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो उन सभी समयों का अब अटकलें खत्म हो गया। अब अंत मनीष कश्यप जेल के सलाखों से बाहर आएंगे, फिर से आप मनीष कश्यप का आवाज सुन पाएंगे, तो कुछ समय का धैर्य बनाकर रखिए और आप सभी से अपील है कि किसी प्रकार का वह चीज करने का कोशिश ना करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर खतरे में हो और शायद आप पर और कई लोगों पर शिकंजा कसा जा सके, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब किसी भी प्रकार के गतिविधि में आप जो सरकार के और या नियम के विरुद्ध है उसमें आप आते हैं तो आपके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। तो आप सभी से अपील है कि इन सब चीजों से परे रहिएगा और मनीष कश्यप कुछ ही घंटों में आज शाम तक या कल सुबह तक आप सबको समक्ष हाजिर होंगे। धन्यवाद। बाकी आप सहानी देख रहे थे, वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।